सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला।